स्वदेश वाणी। झारखंड राज्य के बने हुए 21 वर्ष हो गए हैं। इस संदर्भ में झारखंड राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आप लगातार ये देखते होंगे कि जिन उम्मीदों के साथ झारखंड अलग राज्य बना बिहार से, 21 वर्ष बीत गए, लेकिन सारे चौक चौराहों पे आप आंदोलन आंदोलन और सिर्फ आंदोलन देखते रहेंगे। झारखंड के युवाओं की आवाज़ जो है कहीं ना कहीं आज दबती दिख रही है। कई युवा जो है झारखंड के युवाओं की आवाज़ बनकर सामने आए हैं। ऐसे में अफजल दुरानी हमारे साथ है। अफजल दुरानी जो है युवाओं की आवाज़ बनकर सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं, हम सीधे इनसे बात करते हैं। अफजल जी, राज्य को बने हुए 21 वर्ष हो गए हैं, लेकिन 21 वर्षों के दरमियान क्या स्थिति है राज्य की? झारखंड जवान हो गया है और हमारे युवा भी, युवा मुख्यमंत्री भी आ गए हैं। अपने आप को युवा बोलते 40 साल में, लेकिन सच में कोई जवान युवा है वो झारखंड है। झारखंड जिस मांग, जिस उद्देश्य के साथ अलग हुआ था, जिस उद्देश्य के साथ अलग हुआ था, अपने बातों को रखने के लिए, अपने जंग जंगल जमीन पानी खनिज इत्यादि को पहुंचाने के लिए, TTPS हो या CTPS हो, तमाम उद्योग प्लांट में अपना भूमिका निभाने के लिए, सब में जितने भी आदिवासी मूल निवासी सबका जमीन जंगल छीन लिया और सबको घर से बेखल कर दिया। आप भी युवा है, राज्य के मुख्यमंत्री भी युवा है, क्या बोलेंगे आप? राज्य के मुख्यमंत्री युवा है, वो 45 साल में युवा और 25 साल का युवा जो आंदोलन कर रहा है वो युवा नहीं। हमको समझ में नहीं आता, मीडिया वाले जो पूछते हैं युवा, उनको युवा नहीं बोलना चाहिए, उनको बूढ़ा बोलना चाहिए। उनसे झारखंड नहीं संभल रहा है। एक लाइन में झारखंड संभलता तो गली गली में और राजभवन के सामने हर दिन धरना नहीं होते रहे। आप क्यों नहीं संभाल लेते हैं? क्या आप क्यों नहीं संभाल? परिवारवादी चलता, आपको नहीं मालूम है जे में परिवारवादी है? जब हमारे गुरुजी रहे सियासन में, गुरु जी आते तो उनका बेटा रहा सियासन में, अभी हटेंगे तो इनका सियासन चलते रहेगा। JMM में परिवारवादी चलता, जो कांग्रेस में चलता है वही JMM में चल रहा है। आपको नहीं लगता है कि JMM में अच्छा काबिलियत लीडर है? लगता है सब तो काबिल लोग है, गुरु जी हैं, शिबू सोरेन हैं, आंदोलन की उपज हैं, आंदोलन से आंदोलन अलग राज करवा दिए। आप ये बताइए ना, आंदोलनकारी खेरे गुरु जी है? आंदोलनकारी सिर्फ यही है? आंदोलनकारी परिवार से आंदोलनकारी तो ये भी, सीधा सोरेन भी है। सीता सोरेन को भी तो मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। सीता सोरेन भी तो विधायक है ही, तो मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था कि नहीं? 2 साल इनको टाइम देते, 2 साल सीता सोरेन को, 1 साल बसंत सोरेन को। लोकतंत्र में ऐसा होता है क्या? कहा नहीं होता है, परिवारवादी कर रहे हो आप। JMM में बहुत काबिलियत विधायक है लेकिन नहीं बनने वाला है मुख्यमंत्री। जब तक गुरु जी का शासन रहेगा, परिवार रहेगा, तब तक JMM में कोई आदमी आ ही नहीं सकता है। और किसी को मुख्यमंत्री बना देगा ना, मंत्री बना देगा ना, मंत्री बनने के बाद लालच देखेगा मुख्यमंत्री बने के भैया। अच्छा, हेमंत सोरेन में ऐसा क्या है जो आप हेमंत सोरेन के खिलाफ बोलते जा रहे हैं? हेमंत सोरेन में क्या नहीं है वो पूछिए, आप ही बता दीजिए क्या है। बोलते हैं कि रखुआ राज में यू के शासन में भी तो वही हो रहा है, JPSC विद्यार्थियों को लूटा गया, खसीटा गया, लटकाया गया। आप में उसमें क्या फ़र्क है? आप कहते हैं कि खजाना खाली है, हम मानते हैं खजाना खाली है। रखुआ लूट के वेंडर मार्केट बना दिया, रखुआ लूट के आपको जहाँ स्पीच देते हैं ना विधायक बैठ के, वो इतना बड़ा संसद भवन बनवा दिए, सदन बनवा दिए। रखुआ दास खजाना खाली कर दिए। हेमंत सोरेन की सरकार का भी 2 साल हुए हैं, 2 साल अभी 3 साल बचा हुआ है। उन्होंने तो बोला था 5 लाख नौकरी देंगे। 5 लाख नौकरी कहे थे कि जैसे मेरा सरकार बनेगा पहले कैबिनेट में 5 लाख नौकरी, पहला कैबिनेट भी हो गया और सबको एक रोजगार भी मिल गया। रोजगार कैसा मिला मालूम है? सबको IAS और IPS बनवाए हैं। और ऐसा IPS IAS कौन? जो मुर्गी बेचेगा वो IAS हो गया, जो अंडा बेचेगा वो IPS हो गया। ऐसा नौकरी देने के बाद किए, कहते हैं कि क्या नौकरी है, करना नौकरी होता है? अंडा और मुर्गी बेचना भी नौकरी है? ऐसा नौकरी दे रही है, इससे अच्छा नौकरी कोई दे सकता है? अंडा और मुर्गी बेचना रोजगार नहीं है? रोजगार नहीं है, IAS IPS का नौकरी, आप समझते नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि अंडा बेचेगा तो IPS और मुर्गी बेचेगा वो IAS, इससे अच्छा नौकरी कोई दे सकता है हेमंत सोरेन के जैसा? एक को तो फेंके थे 15 लाख और एक को फेंकते 5 लाख। सीख क्या है मोदी जी से, आपको नहीं मालूम? ये लोग कुपनीय हैं। सीख क्या थे, कहते मोदी जी जैसा जन्मा दीजिए ना। मोदी जी कहे ना कि हम तो बोले थे बाबू 15 लाख दे के सबको ही को, तो यही लालच में हमको दो तो प्रधानमंत्री बना दिया। तुम भी बोल दो ना कि 5 लाख नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी, 2 लाख नौकरी देंगे। क्या लगता है कि जो आश्वासन मुख्यमंत्री जी दिए थे चुनाव से पहले, वो क्या लग रहा था कि सिर्फ ये घोषणा था, उस पर लागू नहीं करना था, क्या लगा था? जाके पूछिएगा JMM के प्रवक्ता से, तो बोलेगा ना जैसे अमित शाह बोले थे ना, ये तो चुनावी
चुनावी क्या बोलते हैं, चुनावी घोषणा जुमला, चुनावी जुमला जो हमारे मोटा भाई अमित शाह बोले थे, वही जाके पूछेगा जेएमएम का प्रवक्ता बोलेगा, वो तो चुनावी सभा में कोई आदमी कुछ भी बोल देता है, कुछ भी मतलब। आप लालची दे के बस किसी को भी आप वोट ले लीजिएगा, झूठ बोल के वोट लिए। ये जो सरकार बनी है झूठों की और लुच्चों की सरकार है, सच बोल के सरकार बनाने का हिम्मत नहीं था आप में, सच बोल के सरकार बनाते क्या। हम तो बोलते हैं कि जल जंगल जमीन की पार्टी है, जल जंगल जमीन की पार्टी है, तो जाइए TTPS बनिया, खेत में पूरा जो प्लान का छाई निकलता है ना सब खेत में जा रहा है, जिसे जमीन लिया उसको नौकरी नहीं दिया जा रहा, विस्थापित के तब को मालूम है चाल, हमें लगता है कि 80,000 परस परिवार झारखंड में विस्थापित है। तो विस्थापन भी एक बड़ा मुद्दा है। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो जो जंगल थे, जंगल ज़मीन की बात करते हैं, आज उन्हीं के राज में जंगल लूटा जा रहा है, ज़मीन लूटा जा रहा है, आदिवासियों की ज़मीन जो है वो जो है ज़मीन माफिया उस पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार कुछ नहीं कह रही है। सरकारें तो बोला था कि 1932 का खतियान लागू करेंगे, बोले थे ना हमारे शिक्षा मंत्री माननीय जगन्नाथ महादेव जी का एक जुमला था, माननीय जगन्नाथ महादेव जी का एक जुमला था कि जैसे हमारी सरकार आएगी, JMM का सरकार आएगा, सबसे पहला कैबिनेट में एक नौकरी का बात किए थे, एक कैबिनेट में 1932 चिल्लाते थे, तो हमको भी लगा कि चिल्लाते हैं तो काम होगा, तो इनकी सरकार बनी तो 1932 भोगपुर चल गया। अब तो भैया हमको बंगला चाहिए, मंदिर लोग के लिए गाड़ी चाहिए, ये कहाँ का झमेला है भैया। मंत्री हैं तो कहाँ रहेंगे, बंगले में ना रहेंगे, अभी कहाँ रह रहे हैं आप, फुटपाथ में रह रहे हैं क्या, अभी घर नहीं मिला, आवास नहीं मिला हुआ, आम जनता के तरह क्यों रहेंगे। मंत्री मतलब आलीशान होना चाहिए ना, जाके देखिएगा अभी आलीशान है, इससे भी आलीशान चाहिए, समझे, स्मार्ट सिटी बनेगा, मंत्री लोग के लिए आवास बंगला बनेगा, गाड़ी ले आएगा, और जब जब आवाम की बात होगी, जनता का बात होगा, खचनवा खाली है, रखवट लूट लिया, रखवट लूट लिया, भैया रखवट लूट लिया तो कहाँ से बंगला बन रहा है, बन रहा है ना जी। जिस समय रखुआ दास सदन बनवा रहे थे, झारखंड विधानसभा बनवा रहे थे, आपको इतना प्रॉब्लम था, दिक्कत था, तो आप विपक्ष में थे, विपक्ष में थे ना जी, विपक्ष कमजोर होता है, सदन जब पक्ष नेता प्रतिपक्ष आवारा होता है तो विपक्ष का काम होता है उसको सही रास्ता दिखाना, सबसे सदन में सबसे मेन बात। हेमंत सोरेन की जगह आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। हमको कैसे मुख्यमंत्री बना दे के, परिवारवादी तो हम कह रहे हैं कि जैसे कांग्रेस किया उससे JMM कर रहा है, गुरु जी के बाद हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन के बाद हेमंत सोरेन का खानदान, उनका बेटा बोटी चौक वही चलेगा, झारखंड में तो उसका कोई आइए नहीं सकता है, ये लोग कह रहे हैं झारखंड को लूट लिए पाप बेटा मिलके, जंगर इन्हीं लोग का आंदोलनकारी है, हम भी आंदोलनकारी परिवार से है, मेरा एक चाचा नहीं दो दो चाचा झारखंड आंदोलनकारी है। मेरे दादा कांग्रेस के MLA थे। तो आप में क्या कमी रह जा रहा है कि आप नेता नहीं बन पा रहे हैं। का नेता बने किन लोगों जैसा लूटने वाला लूटने वाला नेता बनना चाहे कि हम बोल देंगे कि हमको MLA बना दो, हम भी 10 लाख रुपया दे के जो हमको वोट देगा, नहीं जो हमको वोट देगा उसका परिवार को एक को नौकरी दे देंगे, आप हमको वोट दे दो, ये सब बोल के नौकरियाँ ले लेके। हाँ मतलब पीछे कहाँ रह जा रहे हैं, पैसा नहीं है कि वैसा परिवारवाद नहीं है, क्या है क्या कमी पीछे इसलिए रह जा रहे हैं क्योंकि हम लोग है ना जमीनी बात करते हैं। तो आप भी आंदोलनकारी के नाती पोते हैं तो, और हेमंत सोरेन भी आंदोलनकारी के बेटे हैं, तो अंतर क्या है, कहाँ का अंतर ये है कि सरकार को हम मुंह बोल देते हैं ना कि आप गलत कर रहे हैं, तो इसीलिए अभी उनको हम बोलते तलवा चाटने वाला काम करते हैं ना। हाँ हेमंत सोरेन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं, हेमंत सोरेन सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बोलेंगे ना, तो कहा जब आप JMM ज्वाइन कर लो, ठीक है मेरा बात करो, मेरा प्रवक्ता बन जाओ, ठीक है इधर एक मुट्ठी मिलेगा पॉकेट में डाल लो, जब दलवा चाटने काम की जगह आपको नहीं मालूम है समीर पाता कैसे दलवा चाट रहा, अभी BCCI का सेक्रेटरी बन गया, हेमंत सोरेन की सरकार मुक्ति मोर्चा का युवा मोर्चा बना लिए, कहाँ युवा मोर्चा वाला कानून दलवा देकर सोया हुआ, लोगों को नहीं दिख रहा है ये लोग युवा आंदोलन कर रहा है, जब PSC वाला को आप लतिया है मार खिलवा है, हमें समझ में नहीं आता हद कर रहे आप, क्या हद कर रहा है, सरकार तो काम कर ही रहा है। सरकार हेमंत सोरेन तो बोल दिया है कि JPSC की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसमें 75% लोग झारखंडी है पास होने वाले, अभी पहले जो परीक्षा होता था उसमें सिर्फ बाहरी लोग रहते थे, बोल दिया आप मान लिए, अब हेमंत सोरेन बोल रहे हैं तो अमिताभ चौधरी, अमिताभ चौधरी यही है अध्यक्ष है, हमको तो नाम नहीं मालूम है, यही है ना अध्यक्ष, पैसा दे क्या है, हम तो कहते पैसा दे के उन्होंने आया है, लूट रहे हैं, एक एक क्लास में 10-10 बच्चा पास कर किया, हमको समझे भी नहीं आता जो 240 नंबर लाया 230 नंबर लाया वो फेल और 220 नंबर लाया पास,
जेपीएससी आवाज़ उठाएगा, कहेगा हम मेरे साथ गलत हुआ तो ले भाई लाठी का पुलिस का। ये तो जो पुलिस घूमती है ना हेमंत सोरेन के खिलाफ, चले छोड़े ये सब बात, हेमंत सोरेन के खिलाफ आप इतना उबाल क्यों है आप? अरे सुनिए ना, जो पुलिस घूमता है ना, ये पुलिस है ना सरकार का गुंडा है, ये पुलिस वर्दी में सरकार का गुंडा है, इसको हम गुंडा बोलते हैं। गुंडा नहीं है कि बोलते का सरकार की 144 लगा हुआ मत घुसने, तो नहीं घुसने देंगे। सलाम को राइट नहीं है ना भाई, उसका हमको राइट है, मेरा राइट नहीं है, इंडियन कास्ट ने हमको राइट दिया है, फ्रीडम है कि हम कहीं भी आंदोलन कर सकते। तो आप मेरा आंदोलन जिससे लीजिएगा, आप संविधान का सिविलियन कर रहे हैं, आप तो तानाशाही शासन कर रहे हैं झारखंड में, एक लाइन में कि आप मेरी बात को आप नहीं सुन रहे, आवाज़ दबा रहे हैं। ये तो लोकतंत्र का पहचान ही ना है, ये तो राजतंत्र का पहचान है, ये तो तानाशाही का पहचान है। चलिए आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं अलग बात है, लेकिन हेमंत सोरेन से क्या गुहार लगाएंगे आप? हेमंत सोरेन से कहे के क्योंकि आप जो पार्टी से मुख्यमंत्री है महोदय, आप परिवारवादी पार्टी से हैं, गुरु जी अभी अध्यक्ष फिर से बन गए, ठीक है, उनको फिर से राज्यसभा भेज दिया गया। एक बार चल गए थे चाचा, इतना बार राज्यसभा कैबे किए हैं, चाहते तो है नहीं आप देखने के लिए कहाँ हो रहा कहाँ नहीं हो रहा है, बिना मतलब का सदस्य काला बन जाते आप। छोड़िए, संन्यास लीजिए पार्टी से, आराम कीजिए, दूसरों को मौका दीजिए, एक आदमी अकेले जाए जाएगा राज्यसभा। बोलिए चाचा को आराम करना चाहिए, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते तो पर खराब रहता है। हेमंत सोरेन से क्या बोलिए तो चाचा का? हेमंत सोरेन से कहेंगे कि आपसे झारखंड नहीं संभल रहा है, आप युवा नाम के है, काम के युवा नहीं है, वो 45 साल में युवा है और यहाँ 25 साल में बच्चा है, ठीक है, लोग नाक से दूध पीता है हम समझते हैं, ये अंदर की बात है। तो हम कहेंगे कि आप छोड़िए, सीधा सोरेन को मुख्यमंत्री बनाइए, ठीक है, परिवार बातें करना है तो सीधा सोरेन को बना दीजिए, उनसे ज़्यादा काबिलियत है, उन्होंने जेपीएससी का समर्थन किया, उनकी पेटीए को बनाइए दुर्गा सोरेन सेना, अभी एक एक को बंदे जा रहा है आपको मालूम है, अभी पसंद सोरेन का बेटा होगा ना बेटियों की, वो लोग अलग सेना बना लेगा, सब परिवार में लोग तो राजनीति को जाएगा राज्यसभा। बोलिए चाचा को आराम करना चाहिए, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते तो पर खराब रहता है। हेमंत सोरेन से क्या बोलिए तो चाचा का? हेमंत सोरेन से कहेंगे कि आपसे झारखंड नहीं संभल रहा है, आप युवा नाम के है, काम के युवा नहीं है, वो 45 साल में युवा है और यहाँ 25 साल में बच्चा है, ठीक है, लोग नाक से दूध पीता है हम समझते हैं, ये अंदर की बात है। तो हम कहेंगे कि आप छोड़िए, सीधा सोरेन को मुख्यमंत्री बनाइए, ठीक है, परिवार बातें करना है तो सीधा सोरेन को बना दीजिए, उनसे ज़्यादा काबिलियत है, उन्होंने जेपीएससी का समर्थन किया, उनकी पेटीए को बनाइए दुर्गा सोरेन सेना, अभी एक एक को बंदे जा रहा है आपको मालूम है, अभी पसंद सोरेन का बेटा होगा ना बेटियों की, वो लोग अलग सेना बना लेगा, सब परिवार में लोग तो राजनीति को पैदा ही कर रहा है, काम का बातें नहीं कर रहा है। काम का बात करें ना कि झारखंड में ना विद्यार्थी अभियंती जो परीक्षा दिया पंचायत सचिव 2016 में, लोगों को रिजल्ट दिलवाते, नौकरी दिलवाते, ये सब काम का बात करना चाहिए। गठबंधन की सरकार है, इरफान अंसारी अलग फेंकते हैं, उन्होंने इतना लंबा फेंका वो किससे सीखे मालूम है? वो भी मोदी जी से ट्रेनिंग लेकर आए थे, उस सीपी सिंह से कल बात कर रहे थे, बोलते थे कि हम तो बोले थे 50,000 रुपया दे के पारा शिक्षकों को, उन लोग पारा शिक्षक हटा के सहायक शिक्षक कर दिए, तो नंबर चेंज करने से पैसा फंस जाता है, 50,000 हो जाएगा, हम अफसर से नाम हेमंत नाम रख रहे हैं, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता, बात को समझना चाहिए। गठबंधन की सरकार है, ये नहीं चलने वाला है, जिस तरह रखवर किया उसी तरह ये भी चल जाएगा। तो चलिए, ये झारखंड के युवा थे जिनकी आवाज़ आप साफ तौर पे सुने कि आखिर झारखंड की जो युवा जनता है उनकी सोच क्या है, आज वो क्या सोचते हैं अपने सरकार के प्रति, आखिर सरकार की ऐसी कार्यशैली क्यों है जिस पर यहाँ की जनता जो है लगातार सवाल खड़ा कर रही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।